पूरे खेल का मास्टरमाइंड सोनाली का पीए सुधीर सांगवान है। परिवार वालों की माने तो सुधीर काफी वक्त से सोनाली के खिलाफ साजिश रच रहा था। वो सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में था, जिसकी नजर सोनाली के फार्म हाउस पर भी थी। क्या सोनाली फोगाट की मौत की वजह उसकी संपत्ति बनी? क्या पीए ने सोनाली की प्रॉपर्टी के लिए पूरी साजिश रची? ये वो आरोप हैं जो सोनाली की मौत के बाद से ही परिवार लगा रहा है। सर 2019 में आया था ये सुधीर सांगवान, जो उनका पीए था, ये मतलब 24 घंटे साई की तरह मैडम के साथ ही रहता था और जो भी मतलब लेखा जोखा था सारा काम वही संभालता था, और जैसे खेत का था सब कुछ, ठेका वगैरह सब कुछ वही मैनेज करता था। और उसी के पास मतलब सोनाली फोगाट जी को उसने इतने गुड फेथ में लिया हुआ था कि वो फैमिली से भी दूर कर दिया था उन्होंने सोनाली फोगाट जी को। ना ही वो फैमिली वालों से मिल देता था, ना ही फोन पे बात करने देता था। हम फोन पे बात करते तो मतलब कॉल डिलीट कर देता था, मैसेज डिलीट कर देता था, चैट पे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते वो भी डिलीट कर देता था। इसलिए उन्होंने मतलब सोनाली फोगाट जी से परिवार से दूरी बना के मतलब दूरियां बना दी बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है जी, मतलब प्रॉपर्टी का ही एक उसको लालच था कि इसकी मैं जो प्रॉपर्टी है वो सारी हड़प लूं, धीरे धीरे करके सब कुछ वो अपने नाम करवा लेता। परिवार वालों का कहना है कि इससे पहले वो सोनाली के गुड़गांव वाले फ्लैट को भी अपने नाम कर चुका था और अब उसकी नजर इस फार्म हाउस पर थी। वो काफी टाइम से ये षड्यंत्र रच रहे जी कि इनको परिवार को सबसे पहले तो भाई परिवार को दूर करे, धीरे धीरे फिर उसको काबू में लिया ताकि परिवार साथ नहीं देगा तो इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने मतलब गुड़गांव फ्लैट है वो भी अपने नाम किया है, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमें पता नहीं है, उसकी डिटेल हम बाद में निकलवाएंगे कि उसने क्या क्या अभी कुछ किया है और क्या उसने खरीदा है, क्या कितना वो कर रखे। सबसे बड़ी बात, परिवार सांगवान पर पहले भी सोनाली की हत्या की साजिश का आरोप लगा चुका है, जिसका शक सोनाली ने जताया था। जी सोनाली फोगाट जी ने उनको एक बार निकाल भी दिया था सर, मतलब 1.5-2 महीने वो अलग भी रहा, लेकिन फिर उसने मतलब आके माफी मांग ली मैडम से कि मैडम मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा, तो दोबारा फिर गुड फेथ पे वो दोबारा फिर यहाँ पे आ गया था। और 1.5-2 महीने पहले की बात है, तब सोनाली फोगाट जी उन्होंने खीर खिलाई सर, खीर खिलाने के बाद सोनाली फोगाट जी को मतलब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए, हाथ पैर में सुन्नापन हो गया था, तो उन्होंने घरवालों को बताया, तो मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, घरवालों को कहे हॉस्पिटल में चेक करवा लो, तो बोले कोई नहीं ऐसी तो मतलब क्या पता वैसे ही हो गया वो, इसलिए सोनाली फोगाट जी गुड फेथ में थे इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई थी। परिवार का कहना है कि सोनाली ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन सांगवान उसे लगातार कुछ न कुछ मिलाकर दे रहा था ताकि उसकी मौत को हाथ से कर्म दिया जा सके। जी सर हमें पूरा शक है कि वो काफी टाइम से उनको ड्रग्स दे रहा था, कोई ऐसा केमिकल पिला रहा था किसी चीज में, मतलब जिससे कि उनके मतलब शरीर में कुछ ऐसा हो जाए कि सुन्नापन आना, और सब कुछ मतलब ये करता था कि इनको ड्रग्स दे के ऐसी स्थिति में ले जाया जाए, नाजुक स्थिति में, कि किसी के ऊपर विश्वास वगैरह कुछ ना कर सके। इस पूरे मामले में लगातार ब्लैकमेलिंग की बात भी सामने आ रही है। सोनाली के भाई ने अपनी शिकायत में भी ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया था, और ये ब्लैकमेलिंग की बात सोनाली ने खुद परिवार को बताई थी। तो हो सकता है ब्लैकमेलिंग भी कर रहा हो किसी तरह की, उसने कोई मतलब ऐसी वीडियो बना रखी हो कुछ भी, मतलब जो ब्लैकमेल टाइप में, जो मतलब कहता हो कि मैं आपकी वो वायरल कर दूंगा, इसलिए हमें ये भी शक है सर, वो उसने कर रखा हो ये भी।